अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए हो मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बाबा जी, तो कल मैंने आपको सस्ती शायरी नहीं सुनाई थी, तो आज हम कान पकड़ के सॉरी कहते हैं और आज हम आपको सुनाएंगे बाबा जी सस्ती शायरी। के पचिंकी में लगी है आग और पचिंकी में धुआं ही धुआं है। वाह 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 वाह। पचिंकी में लगी है आग और पचिंकी में धुआं ही धुआं है। सैलड हम पीते हैं पानी ऐसे जैसे पेट नहीं कुआं है। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। मैं अटक गया था आई नो, बट अब ये जो काम होते हैं ना कट करके दोबारा, ये हमसे नहीं होती बाबा जी। हमारे मुंह से जो निकल गया निकल गया, बस हम ऐसे बोल देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आपको बहुत पसंद आता है, तो लाइक अटक वटक जाता हूँ ना सम टाइम, मैं वो भी लाइक कट नहीं करता दोबारा से, बस जाने दो। अपनी पब्लिक से तो बात कर रहे हैं, अटक गए तो क्या हुआ बाबा जी। तो गाइस, सब के सब मिल के लाइक बटन ठोक दो, क्योंकि आज हमने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले एक और यूट्यूबर है उसके पास था, एथिना गेमिंग, आपको पता होगा उसके कितने था उसका। 1 मिनट से गाइस हमने ना, वो कोरियन है, कोरियन प्लेयर है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे रेंगल में सिर्फ और एस की लॉबी में, तो मेरे एस 8 स्टार है, आप लोगों ने देख लिया होगा, 7 था आई गेस, पता नहीं 8 था। तो मैंने शुरू में वही दिखाया और आप एंड में भी देखोगे कि ये वही उसी गेम प्ले का था क्लिप ना। बहुत से लोग क्या करते हैं धोखा देने के लिए एडिट करके कुछ और दिखा देंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस। आपको पता है आपको एनोनिमस अपनी पब्लिक से धोखा वोखा नहीं करता। तो एंड में आप देखोगे इसी वीडियो का क्लिप है, एंड में वो मेरे 17 शायद प्लस हुए थे वो होंगे। तो ऑल भी पाकिस्तानी सारे चैलेंज कर रहे थे, भाई आ जाओ पचिंकी, आ जाओ यहाँ पे। हम लोग आ गए पचिंकी, काफ़ी ज़्यादा बंदे थे। तो गाइस, जो उस बंदे का हमने रिकॉर्ड तोड़ा ना आज, वो सिर्फ 1 मिनट से तोड़ा, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ शायद से एक मिनट नहीं गाइस, 10 सेकंड शायद, हाँ कह सकते हैं कि 10 सेकंड से हमने वो रिकॉर्ड तोड़ा। और अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी कि हमने एक और रिकॉर्ड बनाया बाबा जी, आपको बहुत मज़ा आएगा। पूरा गेम प्ले ज़रूर देखिएगा और लाइक बटन ठोक दो गाइस आज की वीडियो का, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड आया। तो आज की वीडियो का मैं लाइक सेम रखूँगा 50,000 लाइक्स। तो ये हमारे इंडियन भाई थे और जैसे मैं ये विंडो क्रॉस करके आया गाइस, अचानक से सामने आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी अकल इस्तेमाल की, जल्दी से इनको डाउन किया। और समटाइम हमारी अकल ना फीकी पड़ जाती है और हमारा कबाड़ा बन जाता है, क्रेट बन जाता है, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ था। हमने यहाँ पे आके नॉक एंड फिनिश किया। बहुत 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 ज़्यादा बंदे आ गए थे गाइस, तो हम बड़ा सुकून से खेल रहे थे और एक स्क्वाड की तरह प्रॉपर खेल रहे थे, अकेला मैं नहीं घुस रहा था। तो हमने यहाँ पे UMP उठा ली, दूसरी गन मेरे पास थी गाइस M416, जो कि सब पबजी प्लेयर्स की फेवरेट गन होती है और मेरी भी, मुझे भी अच्छी लगती है और मैं अक्सर यही यूज़ कर रहा होता हूँ, क्योंकि सबकी फेवरेट है ये, बस लव है सबका। और यहाँ पे मैं हमारे नंबर 2 जो अल्फा भैया थे, इनके पास बंदे होते हैं तो हम लोग आगे रश कर देते हैं इनकी साइड पे। और यहाँ पे पूरा क्लैन होता है, आई गेस M4 क्लैन था ये, तो इनसे हमारी फाइट हो जाती है। अब लाइक दूसरे टीम मार्क भी कर रहे थे, जो जहाँ बंदा देख रहा था फ़ौरन से मार्क कर रहा था कि यहाँ पे बंदा है। तो आप लोग भी गाइस ऐसे किया करो, जहाँ जिसको देखा फ़ौरन से बता दो, बेशक वो वहाँ से जा चुका है, मार्क कर दो कि यहाँ से बंदा गया। तो यहाँ पे एक नॉक किया गाइस मैंने ऊपर से जंप करते, मैंने दूसरा नॉक किया यहाँ पे और इनका आखिरी बंदा पता नहीं कहाँ पे था। तो हम लोग फिनिश करेंगे और इनकी करेंगे लूट बाबा जी। इनकी गाइस हमने शायद से 3 बंदे मारे थे और इनका चौथा बंदा आई डोंट नो कहाँ पर था। तो उसके बाद हम इनकी मदद से करेंगे लूट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े पूरे जा रहे हैं, आप लोग के कितने रोज़े हो गए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज आज हम एक अच्छा काम करेंगे, वो अच्छा काम मैं आगे जाके आपको ज़रूर बताऊंगा। और प्लीज़ मैं पहली बार ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, तो आप ज़रूर करना। और उसके बाद गाइज मैंने उजी उठा ली, क्योंकि क्लोज रेंज में पचिंकी में AKM उजी बैरल ये गन्स बहुत बेटर होती हैं, तो उजी उठा ली थी मैंने, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं ना, मतलब पास पास घर होते हैं ना, तो ये गन बहुत काम आती है उजी, ये बहुत जल्दी डाउन कर देती है, ग्रोजा की तरह काम करती है। इसकी जो फायरिंग स्पीड है वो बहुत तेज़ है, तो मैंने इसलिए UMP की जगह उजी उठा ली थी और M4 ले ली थी। अब हमारी टीम में रश कर रही थी, जिसको जो मिल रहा था वो वहाँ पे डाउन कर रहा था। और यहाँ पे गाइस मैंने फैसला किया कि मैं छत पे जाता हूँ और छत पे जाके अपने टीममेट्स की हेल्प करता हूँ कि कहाँ कितने बंदे, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा थे और मुझे गेम प्ले बनाना था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं भाई जल्दी मर जाऊँ, मेरे माइनस हो जाए और कबाड़ा हो जाए, तो मैं इसलिए ऊपर छत पे आ गया, आराम से खेल रहा था, कोई जल्दबाजी नहीं। राइट वाली साइड पर मुझे बंदे नजर आते हैं गाइस, रोड साइड पर मैं इनको बताया, तो मैं रोड साइड बंदे हैं और हमारे सामने वाले कंपाउंड में बंदे होते हैं, तो मार्क करके बताना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे भी बंदे आ चुके हैं, तो हमने मार्क कर दिया था। और ये लोग विंडो खोलते हैं, यहाँ पे मुझे 2 बंदे नज़र आते हैं गाइस, और मैं रेडी था कि जहाँ मुझे इनकी बॉडी रिवील हो मैं अपना स्प्रे दूँ और डाउन करूँ, फिर हम लोग रश करें। हम लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे कि कोई लाइक ऐसा एंगल हमें मिल जाए, मुझे मिला, उसके बाद मैं स्प्रे करूँगा।
तो बंदा नीचे जाने वाला था, उसको यहाँ पे शॉट लगे मेरे गैस लो हुआ, तो मैंने बता दिया अपने टीममेट को, इन्होंने कर दिया ऊपर रश। अब जब इनके गैस दो से तीन बंदे डाउन हुए, ये लोग लाइक जंप करने लग गए, जब इन्होंने नाम देखा हम लोग का, तो हम लोग इनको नहीं मार रहे थे। और क्या हुआ कि डीपी से इनको अलग अरबी स्क्वाड मार सकते, मार देता है। ये देखो लेफ्ट पे किल फील्ड में आया था, स्पाई के बंदे को मार दिया अरबी ने, वो डीपी से मार देता है। और ये अरबियों का जो स्क्वाड होता है ना, वो राइट साइड पे जो था ना गाइस रोड वाली साइड पे, ये वो स्क्वाड था। 6-6 मिल जाता मुझे यहाँ पे। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ गाइस, अगर किसी फाइट हो रखी है पहले से और क्रेट पड़ी है, तो अब वो क्रेट ओपन करके देखा करो। समटाइम ना लोगों के पास लूट होती है, तो वो क्रेट से लूट नहीं करते, तो अगर आपके पास लूट नहीं है, आप वो क्रेट चेक करो, वहाँ से भी आपको लूट मिल जाएगी। और समटाइम ऐसी लूट मिलेगी कि आप हैरान हो जाओगे कि बगैर मारे इतनी अच्छी लूट मिल गई। अब इनके यहाँ पे दो बंदे डाउन किए थे गाइस आई गेस, और लूट का कोई मजाक नहीं है भाई। जल्दी जल्दी अब टीममेट आए ना, जल्दी जल्दी लूट कर लो, कोई मजाक नहीं है। और M4 गिर गई थी, हमारी जान निकल गई, गलती से M4 गिर गए लेकिन जान निकल गए गाइस। ऊपर यहाँ पे ना, जब मैं छत पे था ना, तो यहाँ पे एक बंदा देखा था मैंने, मैं उसको चेक करने के लिए ऊपर आता हूँ। और ये शायद से बेचारा ऑफलाइन खड़ा हुआ था, और ये इनका आखिरी बंदा था। ये लोग हो जाते हैं ऑल डेड, पता नहीं ऑफलाइन था या क्या था, या बेचारे की मम्मा ने बोला था जा बेटा दही ला के दे, और फिर बेचारा यहाँ पे दही लें, अच्छा मम्मी, फिर दही लाने चला गया। और फिर इसको हम डाउन किया गाइस, 5 किल मेरे हो चुके थे। और फिर हमने यहाँ पे मज़े से की लूट, 3x जो एक्स्ट्रा था वो मैं गिरा दिया टीममेट के लिए, और उन्होंने 8x गिरा दिया मेरे लिए, और 8x मैंने फौरन से उठा लिया, हालांकि गन नहीं थी। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ ऊपर तो SKS पड़ी थी, तो भाई 8x बैग में रखने का फ़ायदा नहीं है, उजी की जगह मैं जाके उठा लेता हूँ SKS। और SKS उठाने के बाद बाबा जी हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि दूर तक नज़र आएगा। अच्छा गाइस बताए, अक्सर लोग 8x इसलिए उठाते हैं कि दूर तक नज़र आता है। अब मुझे बताना, क्या आप भी ऐसे करते हो, या जब आप पबजी खेलना सीख रहे थे आप ऐसा करते थे कि दूर तक देख सकेंगे बस, मतलब मारने वालने वाला सीन नहीं, हाँ दूर तक नज़र आ जाएगा इसलिए 8x उठाते थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं जब नया नया पबजी खेलता था ना, मैं ऐसे ही करता था। और फिर हम लोग गाइस एक गाड़ी में नहीं गए, क्योंकि भाई एक गाड़ी में रोला हो जाता है, क्या हो जाता है कि गंदी शॉट्स पड़ती हैं आपको, और आप चारों खतरे में आ जाते हो अगर पूरा स्क्वाड आप पे आपकी गाड़ी पर स्प्रे दे रहा। तो हम लोग इसलिए दो जगह होके गए थे, और सीधा हम लोग पहुंच जाते हैं बाबा जी। हाय गाइस, फिर से ऐसे टाइम पे एडिट कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर से हम लोग पहुंच जाते हैं अपने लाहौर जॉर्ज पूल, और आपको अभी अब कमेंट आएंगे, एनोनिमस भैया आप अपने ससुराल बोलने वाले थे ये, तो आपने बिल्कुल सही समझा, मैं यही बोलने वाला था। गाइस यहाँ पे कोई होता नहीं है, और आज मैं जो अच्छी बात आपको बोलने वाला था ना, कि आप हम एक अच्छा काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ना दुरूद पाक दुरुशरीफ पढ़ के हम लोग ना अपने नबी पाक के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी कमेंट्री हम लोग जारी रखते हैं। तो बाबा जी उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं रौज़क की हिल पे, और क्योंकि ये एकदम मिडिल में होता है, तो हमें था कि रौज़क नहीं तो स्कूल नहीं तो अपार्टमेंट, कहीं तो बंदे मिलेंगे। और 29 लाइव रह गए थे, हमें कुछ आईडिया नहीं था गाइस कितनी जल्दी मैच फिनिश हो जाएगा, लाइक कुछ आईडिया नहीं था कि हम लोग एक रिकॉर्ड बना देंगे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। ये बंदा यहाँ पे नज़र आया, और उसके बाद नीचे आ जाती है गाड़ी, तो मैं अपने टीममेट को बताया, दो पीछे थे, दो ही थे हम, और यहाँ पे पूरी गाड़ी आ जाती है। तो हमें मैं एक को डाउन करता हूँ, लेकिन साइलेंट जो है वो ले जाता है अपनी AKM से तीन बंदों को, और क्योंकि ये लोग एकदम ऊपर में थे बेचारे, कोई कवर नहीं था, तो ये लोग डाउन हो गए। यहाँ पे मुझे एक ही किल मिलता है, काफ़ी दुख होता है, बट कोई बात नहीं बाबा जी। लेकिन अच्छी बात ये है, यहाँ पे हमारी हमें अपनी गर्लफ्रेंड कार्नेटेड मिल जाती है, क्योंकि स्नाइपर के बगैर गुजारा नहीं है। ओके यहाँ नहीं मिलेगी आई गेस, बेस्ती हो गई, मिलेगी आगे जाके, बट यहाँ नहीं मिलेगी लॉल। तो उसके बाद गैस SKS लेके मैं स्कूल जो शॉट्स ले रहे थे बंदे, वहाँ पे आ जाता हूँ स्कूल वाली साइड पे देखने के लिए। और यहाँ मुझे नज़र आता है आती है एक फीमेल प्लेयर, जो कि यहाँ पे टप 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 मार रही थी, इनको एक ही SKS का हेडशॉट लगता है, ये रहते हैं नॉक। और फिर हम अपनी दोनों गाड़ियों में करेंगे बाबा जी रश। और ये वाला स्क्वाड गैस सच में बोलूँ तो थोड़ा सा हल्का स्क्वाड था, मेरी तरह थोड़े थोड़े नूब थे ये, मैं भी नूब, ये भी नूब, ऐसे कुछ प्लेयर थे। तो हमने कर दिया रश, और होता है गाइस समटाइम लाइक लॉबी जैसी भी हो। अब हम में से शायद किसी का एक का रैंक ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सबका क्राउन व्राउन तो था, लाइक किसी का क्राउन था, किसी का एस था, बट समटाइम आपको ऐसे स्क्वाड भी मिल जाते हैं मेरे जैसे नूब, तो हम ऊपर रश कर देते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने दो बंदे डाउन किए, ये हील कर रहे थे बेचारे, पहले से लो थे, और एक तो खड़े होकर चलते चलते हील कर रहा था, भाई ने शायद हैंड फ्री नहीं लगा रखी थी। फिर गाइस यहाँ पे लूट की, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी आई गैस, नहीं यहाँ पे भी नहीं मिलेगी, एक तो पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ कि मुझे
अपनी गर्लफ्रेंड कार रिलेटेड कहाँ मिली थी। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंडेड मैग ना दूसरे वाला लगा लिया कि शायद से मुझे आगे जाके कोई और गन लगानी पड़ जाए, लाइक AR असॉल्ट राइफल यूज़ करनी पड़ जाए तो ये वाला एक्सटेंडेड मैग काम आ जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं छत पे। एनोनिमस की पब्लिक एक चीज़ समझ नहीं आई, देखो इस बंदे का ना लेवल 1 का हेलमेट लग रहा था, हेडशॉट मारा नहीं मारा, अब शायद से लेवल 3 का, बट मुझे लेवल 1 का हेलमेट लगा। और ये तो भाई एक नंबर के कैंपर थे गाइस, ऐसे खतरनाक वाले कैंपर थे ना, सीढ़ियों पे ऐसे कैंप करके बैठे थे। और तो जब मैंने यहाँ पे हेड मारा, मैंने टीममेट को मार्क किया कि उस वाले अपार्टमेंट बंदे हैं तो रश करते हैं। फिर हमने कहा चलो भाई रश करते हैं, फिर से हम दो गाड़ियों में रश करेंगे। जंप किया और दुड़की लगा दी बाबा जी अपनी घसा गाड़ी की तरफ कि गाड़ी में बैठ के फ़ौरन से करें इन पे रश और किल उठाएं। और गाइस आज स्टेडियम में देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, जो मैंने इतना फ़नी चैलेंज किया ना, ये कितना मज़े का कमेंट आया था, मैंने उसकी बात मानी। तो आप लोग मुझे वैसे तो आप लोगों ने लाइक सपोर्ट दिखाया था, तभी मैं इस चीज़ पे एग्री हुआ था कि TDM भी अपलोड करूँगा। और आप लोग बहुत प्यार दिखाते हो TDM को, और मैं भी ट्राई करता हूँ कि इतना फ़नी तरीके से एडिट करूँ कि आप लोग का जो है ना रोज़ा जो गुजर रहा है, आप लोग को रोज़ा लग रहा होता है उसका थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजर जाए, बस मेरी ये होता है, मेरी ये कोशिश होती है। फिर गाइस मैंने नेट निकाला, ऊपर की तरफ नेट फेंकेंगे बाबा जी, और ये पूरा का पूरा स्क्वाड बैठा हुआ था, और शायद से नेट से कोई नॉक नहीं होगा, इतना अच्छा कोई नेट नहीं था ये। तो उसके बाद हम कर देते हैं बाबा जी रश ऊपर, और मैं अपने टीममेट से ऊपर जल्दी भाग नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थे किल। एक नेट से नॉक होता है गाइस, दोनों एम करके बैठे होते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी भैया थे, क्या खतरनाक एम करके बैठे हुए थे ये तो। CDM पे के जैसे कोई ऊपर आएगा हम उसके पिछवाड़े पे गोलियां मार के उसको लॉबी भेजेंगे। और शायद हमें यहाँ से कार एंटेड मिलेगी, क्या यहाँ से मिलेगी, या यहाँ से भी नहीं मिलेगी। ओके यहाँ से भी नहीं मिलेगी, बेइज्जती हो गई। कार 98 मिल जा, फिर गाइस ड्रॉप हुआ होता है, 10 किलो हो गए थे, 12 लाइफ थे जिसमें 4 हम थे। अब फिर हम लोग रश कर देते हैं ड्रॉप की तरफ के शायद से बंदे हो, और हमारी एक टीम पहले ही वहाँ पे जा चुकी होती है दो बंदों की। और गाइस ये जो थे ना PMK जिनका प्लेन था, ये लोग अब हमें मिलेंगे, इनसे फाइट हमारी अब होगी। और हमारे दो बंदे पहले से पहुँच गए थे आगे, उन्होंने इनसे फाइट लेना स्टार्ट कर दिया था। और हम लोग जब इन्होंने एक नॉक किया, हम लोग और ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं उन लोगों के, और यहाँ पे जाके हमारी हो जाती है बाबा जी फाइट, जिंदगी खतरे में आ जाएगी। उतर के गाइस फिर हम लोग, मैं M4 निकालता हूँ, हम लोग कर देते हैं दोनों के दोनों आगे रश, पीछे से हमारे बाकी टीममेट भी आ जाते हैं। या मैंने एक को देखा गाइस नॉक किया अपने शामी भैया को, और मार उसको रहा था ये भैया, पता नहीं स्मोक से निकल के आगे आ जाते हैं, और भैया ने तो बहना थी, ओके क्वीन बहना निकल के आ जाती है। यहाँ पे मुझे 2 किल मिलते हैं इनके, और बाकी दो बंदे भी डाउन हो जाते हैं। गाइस ये 4 का स्क्वाड था, एक 4 पूरे थे, इनको डाउन किया। अब ये 4v4 फाइट थी गाइस, और देखो अल्लाह पाक ने ना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान वालों के हाथ में लिखना था बस। तो ओके M24 का चांटा भरते अल्फा को, ये अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में लिखना था वर्ल्ड रिकॉर्ड। सिर्फ 10 सेकंड के फ़र्क से गाइस हमें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा, और फिर मुझे यहाँ पे जाके मिलती है कार 98, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ तार 98 मिलेगी, तार 98 मिलेगी। और फिर मैंने टीममेट को बोलता हूँ भैया आप जाओ आगे, मेरे पास कार 98 है, मैं यहाँ से नॉक करता रहूँगा, आप लोग जाके करो रश। तो मेरे दो टीममेट एक साइड से और साइलेंट एक साइड से कर देंगे इन पे रश, बट जो मेरे दो टीममेट हैं वो क्या गलती करेंगे, वो सीधा इनके मुंह पे चले जाएंगे। और इतना भी बेवकूफ़, इतना हल्का स्क्वाड नहीं है ये, उन दोनों को नॉक एंड फिनिश करेंगे भैया। दो एक और गाइस मैंने नॉक दिया इनको, और देखो गाइस ईमानदारी से बोलूँ तो मैं अपने टीममेट की पूरी हेल्प कर रहा था, दूर से भी मैं बार बार इनको नॉक कर रहा था। ये देखो गाइस मैं बार बार नॉक किया जा रहा था, और मेरे दो टीममेट नॉक हुए, फिनिश हुए यहाँ पे। अब साइलेंट बचा था अकेला, और ये मूव कर रहे थे तो मेरे पास कोई अच्छा एंगल नहीं था, लाइक जैसे ही रुकी का मैं ट्राई करता हेडशॉट मारने का। अब साइलेंट बचा था सिर्फ, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि दूर से कवर दूं। अब साइलेंट ने एक नॉक किया, एक ही बंदा इनका बचता है क्योंकि मैंने कार्नेटेड से नॉक कर रखे थे गाइस, और ये यही बचा था बस। जैसे मुझे इस पर एंगल मिलेगा मैं उसको मार दूंगा शॉट, और 10 सेकंड से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा बाबा जी। विनर विनर चिकन डिनर। और गाइस वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 16.8 मिनट वर्ल्ड रिकॉर्ड, और हमारा हुआ 16.7 मिनट वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 10 सेकंड से। एस की लॉबी थी गाइस, ये मेरा रैंक देख सकते हो एस में और एरेंगल में।